हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। सो गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली में VFS सेंटर जो ओपन हो चुके हैं, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से आज से ओपन नहीं हुए हैं। ये सिर्फ उस चीज़ के लिए हुए हैं क्योंकि जब ये बीमारी से पहले, जो लॉकडाउन के पहले, काफ़ी लोगों ने अपनी जो एप्लीकेशन थी वो जमा करवाई हुई थी वीज़ा के लिए, और उसी रिगार्डिंग उनके वहाँ पर जो पासपोर्ट वहाँ पर उनके अपने पास डिपॉजिट रखे हुए थे। तो अब वो क्या करेंगे, वो पासपोर्ट सर्विस जो कोरियर की वजह, कोरियर सर्विस होती है, उसके थ्रू जितने भी एप्लीकेंट थे जिन्होंने उनके लिए VFS सेंटर में वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपनी फ़ाइल जमा करवाई थी, उनको अभी वो पासपोर्ट वापस भेजेंगे। तो इनके अभी प्रॉपर काम तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन गुड न्यूज़ है कि ओपन तो हो गए हैं। अभी क्या होगा कि जैसे जुलाई 1 से पूरी तरह से इंडिया जो अनलॉक हो रहा है, काफ़ी चीज़ जो बंद थी वो दोबारा खुल रही है। जैसे पंजाब में आज रेस्टोरेंट वगैरह भी खुल गए हैं, और VFS सेंटर भी वेरी सून होपफुली उम्मीद है जो 15 जुलाई से सभी ऑपरेट करने लग जाएंगे। और जो काफ़ी कंट्रीज़ है, जैसे कनाडा ने भी अपनी VFS सेंटर दूसरी कंट्री में, दुबई में जैसे हो गए, खोलने शुरू कर दी हैं। थाईलैंड में भी उन्होंने ओपन किया, मलेशिया में भी ऐसे ओपन किया है। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है, और काफ़ी लोग जो शेंगेन के लिए वीज़ा अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे यही सजेस्ट है, अभी आप टूरिस्ट वीज़ा मत अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि रीज़न है, क्योंकि उसके लिए आपका सक्सेस के जो भी रीज़न है वो कम होंगे, क्योंकि आपको पता है जो इंडिया के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि शेंगेन इसी शर्त पर ही काफ़ी लोगों के लिए अपना शेंगेन वीज़ा जो ओपन करेगा, कि कोई भी कंट्री से जब वो एप्लीकेंट वो लेंगे तो वो देखेंगे कि वहाँ उन पर, वहाँ पर बीमारी के जो केसेस हैं कितने कम हैं। तो इसके लिए आपको वेट करने पड़ेगा महीना डेढ़ महीना, लेकिन इसके लिए आपके पास जो टाइम है वो आपके पास टाइम है अपनी जो फाइल कंप्लीट करने का। अगर किसी के पास ITR नहीं है तो 2 साल की ITR करने का, अपना जो बैंक स्टेटमेंट बनाने का, वो मैं ओल्ड वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1 जुलाई से हम भी अपने जो ऑफिस ओपन कर लेंगे, जिसकी आपको पता था कि आपको बताया गया था ऑलरेडी वीडियो में कि काफ़ी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए थे, परमिशन नहीं थी। तो ऑटोमेटिक जब सब काम ओपन हो रहे हैं, तो जितने भी जो ट्रैवल एजेंट है जिनके पास ऑफिस है, उनको भी परमिशन दी जाएगी ताकि वो भी अपने क्लाइंटों के साथ डील कर सके। तो अभी सो बेस्ट टाइम जब ये हो जाएगा ओपन, अगर आप अपना जो स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, या किसी भी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके पास मैं कुछ शॉर्ट भी ट्विटर पर लूँगा आपके पास, अगर आप मेरी राइट साइड वीडियो पर देखोगे तो ये है शॉर्ट, कहाँ कहाँ पर बताया गया है कि आपके जो VFS सेंटर के जो सेंटर हैं वहाँ पर उन्होंने कहाँ कहाँ या कौन कौन सी कंट्री में अभी ओपन कर दिए हुए हैं। और जो थाईलैंड है वो भी जल्दी अपना जो टूरिज़्म ओपन करने जा रहा है, मलेशिया भी करने जा रहा है। काफ़ी लोग हैं जो मेरी तरह, जैसे आपको पता है मैं हर 3 मंथ के बाद आउटसाइड कंट्री में होता था, आपके लिए व्लॉग्स बनाता था, वीडियोस बनाता था। तो मेरे को भी ऑटोमेटिक 6 मंथ हो चुके हैं, कहीं पर ट्रैवल नहीं किया। और मैं जानता हूँ कि मेरी तरह काफ़ी लोग होंगे जो ट्रैवल के लिए एक्साइटेड भी होंगे जाने के लिए। तो वेरी सून सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भी वेरी सून ओपन हो जाएंगे। और जैसे हमने लास्ट ईयर में भी ग्रुप लेकर गए थे, आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो है तो उसका जो लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, जो हम ग्रुप लेकर गए थे, एक ग्रुप मैं लेकर गया था, एक ग्रुप जो हमारे मैनेजर हैं मिस्टर सलीम लेकर गए थे, ऐसा ही ग्रुप लेके जाएंगे। और सर्बिया रिगार्डिंग के बारे में जब भी वो भी ओपन हो जाएगा तो उसमें भी हमारा जो ग्रुप लेके जाने का पूरा प्लान बना हुआ है। तो काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है, एक एनर्जेटिक न्यूज़ है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करूं, और भी यूट्यूबर ने ऑलरेडी भी शेयर कर दी हुई है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एनीवे, बट आपके जो, मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पर आपको हर तरह की आपको न्यूज़ मिले। मैं जानता हूं काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि अभी तक जो हालात है, केसेस इतने बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो कैसे ट्रैवल को ओपन किया जाएगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि अब ये बीमारी जो हमारे साथ इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ सावधानियां हमको बरतनी पड़ेगी। सावधानियों से जैसे हमको मास्क यूज़ करना पड़ेगा, सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें, अपना मास्क हमेशा वेयर करें,
हो सकता है अगर ग्लव्स वेयर करना चाहते हो तो ग्लव्स भी वेयर करें, और अपना जो सैनिटाइजर है लिटिल छोटे पॉकेट में अपने रखें जैसे मैं रखता हूँ। और कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हो तो कोई भी सरफेस होता है उनको टच मत करें कि जहाँ पर लोग ज़्यादा उसको बहुत करते हैं, जैसे सीढ़ियाँ होगी, लिफ्ट होगी, हम जाते हैं ना किसी भी मॉल में तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। और जिम के रिगार्डिंग है, जिम भी ओपन हो जाएंगे। मेरी तरह काफ़ी लोग होंगे जो एक्सरसाइज के लिए लगाने के शौकीन होते हैं लेकिन जिम भी बंद थे, वो भी 1 जुलाई से ओपन हो रहा है। ऑटोमेटिक 1 जुलाई के बाद सब कुछ ओपन हो रहा है, और मेरे को जो उम्मीद लगती है 1 अगस्त से इंटरनेशनल फ़्लाइट तो ओपन ही हो रही है, क्योंकि कोई भी कंट्रीज़ अपने आप को इतनी देर से बंद नहीं कर सकते, और टूरिज़म के बिना किसी भी कंट्री का गुजारा नहीं है। और आपको पता है किस वजह से कितने लॉसेस भी हो चुके हैं, काफ़ी लोगों की जॉब्स भी जा चुके हैं, बेरोज़गारी भी बहुत हो चुकी हुई है। और अब जो मौजूदा कंडीशन में होगा, जो पहले लोग आई थिंक वर्क परमिट के रिगार्डिंग या किसी भी कंट्री में, जो दुबई में, जो मलेशिया में, या रशिया में, यूक्रेन में काम करने जाते थे, तो उनकी काउंटिंग अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि रीज़न क्या होगा, कितनी यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ जाएगी तो बहुत मुश्किलें आने वाली है। तो होपफुली एक लेकिन पॉजिटिविटी के लिए हमको अपने को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये अकेले हम पर नहीं है, सभी पर है, ठीक है। लॉसेस जो हुए हैं सभी पर हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव हमको रहना चाहिए। ऊपर जो ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम इसको जो कंप्लीट करके इसमें से अच्छी तरह से जो बोलते हैं कि बाहर निकलेंगे एज ए पॉजिटिव की वजह से। तो ठीक है गाइस, होपफुली आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो रिंग का बटन होता है उसको प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए उसका जो आपको है टैग नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।